बीजेपी यूपी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से और नरेंद्र मोदी की सभा से चुनावी बिगुल फूंक रही थी। नरेंद्र मोदी ने संगम तट से चुनावी शंखनाद बजाते हुए सपा सरकार के भाई भतीजेवाद की राजनीति पर भी सवाल साधा और जमकर हमला बोला। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ बाप को जिस कठिनाइयों से जिंदगी गुजारनी पड़ी, हमारी युवा पीढ़ी को ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वजों को जिस कठिनाइयों से जिंदगी गुजारनी पड़ी, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हर समस्या का समाधान, हर मुसीबत का एक ही उपाय है और वो उपाय है विकास। अगर विकास नहीं होगा तो नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? भाइयों बहनों, मैं आज निषाद राज की धरती से नौजवानों को विश्वास दिलाने आया हूं, अगर आप में योग्यता है तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद के कारण आपके भविष्य को कुचला नहीं जाएगा। आपको आपके हक का मिले, आपकी योग्यता का आपको पूरा हक मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। नरेंद्र मोदी ने यूपी की जुगलबंदी की सरकार पर भी चुटकी ली और पांच पांच साल की मायावती और मुलायम की सरकार पर भी निशाना साधा। मुझे बताइए, जब मायावती जी की सरकार थी तो मुलायम सिंह जी की पार्टी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी कि नहीं लगाती थी? लगाती थी कि नहीं लगाती थी? जितना हो सके उतना आरोप लगाती थी ना। पांच साल हो गए, कुछ किया? कुछ किया? नहीं किया। अभी मायावती जी मुलायम सिंह पर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती है? लगाती है कि नहीं लगाती है? गंभीर से गंभीर आरोप लगाती कि नहीं लगाती? अब अगले पांच साल अगर मायावती जी को कुछ मिल गया तो मुलायम सिंह जी पर कोई कदम नहीं उठाएगी। तो उनकी जुगलबंदी है, उनकी जुगलबंदी है। पांच साल हमारी बारी, पांच साल तुम्हारी बारी। जब तक उत्तर प्रदेश में ये पांच पांच साल की लूट करने की ठेकेदारी बंद नहीं होगी, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। ये लूटने की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे उत्तर प्रदेश से सांसद बनाया है, मुझे उत्तर प्रदेश का ऋण चुकता करने का मौका दीजिए। भाइयों, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। एक बार आप अवसर दीजिए। और मैं आपको कहता हूं, अगर पांच साल में हमने निजी स्वार्थ के लिए आपका कोई भी नुकसान अगर किया तो आप हमें लात मार करके निकाल देना भाई। मेरे भाइयों बहनों, इतने बड़े प्रदेश को हम बर्बाद नहीं देख सकते, उसको तबाह नहीं देख सकते।
और एक बार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया ना दुनिया में, लिख के रखो मेरे शब्द भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया दुनिया में, हिंदुस्तान को नंबर एक पर होने से कोई रोक नहीं सकता। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें गुंडागर्दी से भी उत्तर प्रदेश को बचाना है, भाई भतीजेवाद से बचाना है। हमने एकमात्र काम विकासवाद लेकर के चलना है। और मैं आपको बताता हूं, आपका सांसद होने के नाते जो काम 50 साल में नहीं हुआ होगा, मैं 5 साल में करने की कोशिश करूंगा भाई। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर नरेंद्र मोदी के सामने जनता का अथाह जनसैलाब था और मोदी जनता के और बीजेपी नेताओं के संगम से गदगद थे। ऐसे में मोदी ने भ्रष्टाचार साफ करने की बात बताई, साथ ही इन 2 सालों में किए काम भी गिनाए। दिल्ली में 2 साल की सरकार हो गई, इतने बड़े देश में भाइयों बहनों, कभी पुराना घर हो ना, घर में सिर्फ 4 कमरे हो और सफाई करनी हो तो भी एक एक हफ्ता लग जाता है, तब भी पूरा साफ नहीं होता है। मुझे तो इतना बड़ा देश और कैसी कैसी चीजें भरी पड़ी थी, सफाई करते करते करते। और कभी कभी जब सफाई करते हैं तो इतनी मिट्टी उड़ती है, इतनी चीजें, तो सामने की अच्छाई भी नजर नहीं आती है। 2 साल तक हम काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, लेकिन वो सफाई की धूल इतनी उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी कि हमारी अच्छाइयां भी नजर नहीं आती थी। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान, जितने भी सर्वे हुए, सारे मीडिया वालों ने सर्वे किए, सब सर्वे में मेरे देशवासियों ने मुझे फर्स्ट क्लास से पास कर दिया, फर्स्ट क्लास से पास कर दिया। कुछ राज्यों ने डिस्टिंक्शन दे दिया और उसमें सबसे ज्यादा प्यार मेरे उत्तर प्रदेश ने मुझ पर किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, 2 साल का अगर हिसाब देखें, कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, हमने भाइयों काम करके दिखाया। अगर मैं छोटा सा एक विषय बता, हमारे उत्तर प्रदेश में आजादी के इतने सालों के बाद जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, जिस उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक महापुरुष दिए, लेकिन मारे भाइयों बहनों, आजादी के इतने सालों के बाद भी उत्तर प्रदेश में 1529 गांव, 1529 गांव ऐसे थे कि जहां आजादी के इतने सालों के बाद भी बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा था, बिजली का लट्टू भी नहीं लगा था। वो बेचारे 18वीं शताब्दी में अंधेरे की जिंदगी जी रहे थे, अंधेरे की जिंदगी जी रहे थे। उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते ये अंधेरा मुझे सोने नहीं देता था भाइयों। मैंने बीड़ा उठाया। 1000 दिन के भीतर भीतर हिंदुस्तान के जो 18000 गांव जहां आज तक बिजली का तार भी नहीं पहुंचा है, वहां मैं बिजली पहुंचा के रहूंगा। उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के 1529 गांव अभी तो मेरे काम को 300-400 दिन हुए हैं, 1000 दिन का वादा किया था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 1529 गांवों में से 1352 गांवों में खंभा लग गया, तार पहुंच गया, लट्टू लग गया, बिजली आ गई, उजाला हो गया, अंधेरा चला गया। भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 177 गांव बाकी है और रोज कभी दो, कभी तीन, कभी पांच गांवों में बिजली पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। भाइयों बहनों, अगर काम करना है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये उसका उदाहरण है। मुझे बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उत्तर प्रदेश की भी प्रगति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? अरे पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजी रोटी देने की ताकत ये उत्तर प्रदेश में है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने विकास की यात्रा को तेज गति से चलाया है। आपको मेरे किसान भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के मेरे किसान भाइयों बहनों, किसान की इतनी हालत, मैं जब उत्तर प्रदेश के किसानों से बात करता हूं बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। इन किसानों को सुरक्षा देने के लिए आजादी के बाद, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार सबसे सस्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने लागू की है, जो किसानों को सुरक्षा देगी। आजादी के बाद पहली बार सस्ते में सस्ती, कम से कम खर्चे वाली और सबसे बड़ी जीवन बीमा योजना हमारी सरकार ने दी है। एक रुपये में बीमा उतरता है, एक रुपये में। भाई, गरीब के घर में आफत आ जाए, एक महीने का एक रुपया 12 महीने के 12 रुपये, वो तो बीड़ी सिगरेट में चला जाता है, उससे 2 लाख रुपये का बीमा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाई, आजादी के बाद हर दिन तेज गति से सड़कों का निर्माण, चाहे ग्रामीण सड़क हो चाहे नेशनल हाईवे हो, सबसे ज्यादा एक दिन में सड़क निर्माण का काम आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार बनने के बाद हो रहा है। भाइयों बहनों, हर इलाके से मांग आती है, रेल चाहिए, रेल चाहिए। आजादी के बाद पहली बार एक दिन में इतनी रेल की पटरियां नहीं डालने का काम पहली बार हिंदुस्तान में आज हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, ये सरकार आने के बाद हुआ है। आजादी के बाद पहली बार, आजादी के बाद पहली बार सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का काम इस सरकार आने के बाद हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, क्यों? पहले सरकारें नहीं कर सकती थी। भाइयों बहनों, उनको लूट चलाने के सिवाय कुछ करना नहीं था, इसलिए नहीं होता था। आजादी के बाद सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने का काम ये सरकार बनने के बाद हुआ है। इतना ही नहीं, मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के एमपी मिले थे पिछली बार, मुझे बधाई देने के लिए आए। मैंने कहा, क्या बात है भाई, इतने खुश नजर आ रहे हो। नहीं, बोले मोदी जी और
यहां उत्तर प्रदेश की तरफ मिठाइयां बढ़िया होती है तो कोई कोई मिठाई भी लेके आते हैं। मैंने कहा क्या बात है भाई इतने खुश नजर आ रहे हो। बोले साहब हम तो बचपन से देखते आए हैं कि जब किसान को यूरिया की जरूरत पड़े तो यूरिया लेने के लिए रात रात कतार में खड़ा रहना पड़ता था, कभी कभार पुलिस आके लाठी चार्ज करती थी और फिर भी काले बाजारी में हमको यूरिया खरीदना पड़ता था। मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के बाद सबसे ज्यादा यूरिया उत्पादन हुआ है तो हमारी सरकार आने के बाद हुआ है। काले बाजारी गई, चोरी गई, किसानों पर डंडे चलते थे, वो जमाना चला गया भाई भाई। कौन कहता है काम नहीं हो सकता? अगर सरकार लोगों की भलाई के लिए अगर चलानी है तो सरकार चल सकती है। भाइयों बहनों, आर्थिक व्यवस्था में आपके पास विदेशी मुद्रा कितनी जमा है उसका महत्व होता है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा आज अगर हिंदुस्तान में जमा है तो हमारी सरकार आने के बाद जमा है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में किसी एक साल में आया हो तो यह हमारी सरकार आने के बाद आया है। भाइयों बहनों, मैं सैकड़ों चीजें गिना सकता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति ने, भाई भतीजेवाद ने कुछ लोगों को तो ताकत दी लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया। उत्तर प्रदेश बचाने के लिए निषाद राज की धरती से, और भाइयों बहनों ये धरती वो है, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाना था और मैंने किसानों को कहा था कि आपके खेत का लोहा दीजिए, मुझे सबसे ज्यादा लोहा इसी इलाके से लोगों ने भेजा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए इतना प्यार जिस धरती को है उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने पूरे करने हैं भाइयों बहनों। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि विकास के रास्ते पर हम चले, भाग्य बदलने का संकल्प करें, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए हम कोशिश करें। भाइयों बहनों, कभी कभी बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की तो बात आपके कान पे आती है, कभी हम सुनते हैं हवाई जहाज में रुपये खाए, कभी सुनते हैं हेलीकॉप्टर में रुपये खाए, कभी सुनते हैं तोपों में रुपये खाए, कभी सुनते हैं जलपोत के अंदर रुपये खाए। भाइयों बहनों, जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पता चला ये लोग तो रसोई गैस में से भी रुपये खा जाते थे। रसोई गैस अकेले रसोई गैस में 15,000 करोड़ रुपया बचाए, 15,000 करोड़ चोरी हो रहा था भाई। ये देश का पैसा है, ये जनता जनार्दन का पैसा है, इन पैसों पर देश की गरीब जनता का हक है। वो पेट काट करके पैसे देते हैं, उन पैसों को लूटने नहीं दिया जाएगा भाइयों बहनों, देश को इस प्रकार से लूटने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के पास भारत सरकार से 1,00,000 करोड़ रुपया आता है। आप सोच सकते हैं 1,00,000 करोड़ रुपया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।